जिला मंडी में फोरलेन के कारण विस्थापित हुए लोगों ने राज्य सरकार पर प्रभावितों को 1205 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। ये आरोप विस्थापितों ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान लगाया। पत्रकार वार्ता को फोरलेन प्रभावित एवं अधिवक्ता वी आर कौंडल ने संबोधित किया। वी आर कौंडल ने भूमि अधिग्रहण कानून के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित परिवारों में 2.5% की राशि प्रशासनिक खर्चे के रूप में लेने का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार 9% राशि काट रही है। इस लिहाज से राज्य सरकार बीते 3 वर्षों में अभी तक प्रभावितों से 1205 करोड़ से भी अधिक की राशि वसूल कर चुकी है। वहीं प्रभावितों को अभी तक ना तो लांस ऑफ अर्निंग के तहत मुआवजा मिला है और ना ही सोल्यूशन का पैसा मिल पाया है। इन्होंने सरकार ने वसूली की अतिरिक्त राशि को वापस लौटाने की मांग उठाई है। ऐसा न करने की सूरत में इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दे दी है। उससे लाखों रुपया जो है हर व्यक्ति के खाते से सरकार के खाते में जा रहा है और पिछले 3 सालों में इस डिडक्शन से हिमाचल सरकार के खाते में 1205 करोड़ 28 लाख रुपया मुआवजे की राशि से काटकर जाया जा चुका है, जो कि घोर अन्याय है। केंद्रीय सरकार की जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक 2.5% से ज्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं काटे जा सकते हैं और ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6.5% जो है एक्स्ट्रा पैसा हमारी जेब से काटा है विस्थापितों की, जिस पर हम मांग करते हैं सरकार को कि ये तुरंत विस्थापितों को वापस पैसा किया जाए, अन्यथा हम इस मुद्दे को हाईकोर्ट में लेने जा रहे हैं। प्रभावितों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत फैक्टर 2 के तहत 4 गुना मुआवजा मिलना तय है, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव करके फैक्टर 1 लगाकर 2 गुना मुआवजा दिया है। उन्होंने सरकार से इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग उठाई है। वहीं आर्बिट्रेटर के तौर पर डिवीजन कमिश्नर को इस पद से हटाकर किसी स्वतंत्र व्यक्ति को इस पद पर दायित्व सौंपने की मांग भी उठाई है। इनका कहना है कि एक प्रशासनिक अधिकारी आर्बिट्रेटर के तौर पर काम न करके सरकार के दबाव में काम करता है। डिवीजन कमिश्नर जो है एक आर्बिट्रेटर के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये सरकारी अधिकारी हैं और ये लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एनएएचएआई के साथ मीटिंग करते हैं, जो कि इस सारे मुद्दे में एक पार्टी है, इसलिए ये आर्बिट्रेटर नहीं लग सकते जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है। इसलिए हमारा ये डिमांड है कि आर्बिट्रेटर जो है इंडिपेंडेंट लगाया जाए ताकि लोगों को इस सारे अन्याय में जस्टिस मिल सके, ताकि लोगों को जो अरबों रुपए का पैसा लोगों का इन्होंने कम दिया है उसको दिया जा सके, क्योंकि अभी जो आर्बिट्रेटर डिसाइड कर रहा है केसेस वो गवर्नमेंट के प्रेशर में डिसाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक दबाव है कि जो अवार्ड लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने दिए हैं उनको नहीं बढ़ाया जाए और इससे लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है।